हेलो गाइस, दिस इज नवनीत महंत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं धान के मुख्य कीट और उनके प्रबंधन के बारे में, दैट मीन्स इंसेक्ट पेस्ट ऑफ पैडी एंड देयर मैनेजमेंट। गाइस, धान पूरे वर्ल्ड में मुख्य फसल के रूप में जाना जाता है। पूरे वर्ल्ड के लगभग 65% पॉपुलेशन धान का ही कंज्यूम करते हैं, धान को ही खाते हैं, चावल को ही खाते हैं। और लगभग 100 इंसेक्ट स्पीसीज ऐसे हैं जो कि धान से क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, बट इनमें से लगभग 20 ही ऐसे पेस्ट स्पीसीज होते हैं जिनका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होता है। आप कह सकते हैं कि हमें आर्थिक रूप से क्षति पहुंचा सकते हैं, आर्थिक रूप से हानि पहुंचा सकते हैं। गाइस, इन 20 इंसेक्ट पेस्ट स्पीसीज को हम अलग अलग चार कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जिनमें से पहला है बोरर पेस्ट। दैट मीन्स ऐसे इंसेक्ट पेस्ट जो कि धान के पौधों को छेद करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं येलो स्टेम बोरर या फिर गाल मिर्च। येलो स्टेम बोरर धान के पौधे के तने को छेद करके उसको नुकसान पहुंचाते हैं। इसी प्रकार से गाल मिर्च जो होते हैं वो भी तने को छेद करते हैं। दूसरा है सकिंग पेस्ट। सकिंग पेस्ट ऐसे इंसेक्ट पेस्ट होते हैं जो कि धान के पौधे से उसके रस को चूस के उसको नुकसान पहुंचाते हैं। दैट मीन्स हम उनको शेप फीडर कह सकते हैं, जस्ट लाइक ग्रीन लीफ हॉपर, वाइट लीफ हॉपर या वाइट बैग्ड प्लांट हॉपर या ब्राउन प्लांट हॉपर, ईयर हेड बग, इसी को गंधी बग के नाम से भी जानते हैं, या थ्रिप्स या फिर मिली बग। गाइज, नेक्स्ट कैटेगरी इज डिफोलिएटर। डिफोलिएटर दैट मीन्स ऐसे पेस्ट होते हैं जो कि फोलियज को खाकर या किसी प्रकार से उनको नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर प्लांट के एरियल पार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको किसी प्रकार से खाकर या किसी अन्य प्रकार से नुकसान पहुंचा सकते हैं, जस्ट लाइक लीफ होल्डर, केस वॉर्म या हॉर्न कैटरपिलर या पैडी स्किपर या क्लिमिंग कैटरपिलर या फिर आर्मी वॉर्म हो सकते हैं। गाइस, नेक्स्ट कैटेगरी इज नॉन इंसेक्ट पेस्ट। दैट मीन्स ऐसे पेस्ट जो कि पेस्ट तो होते हैं बट इंसेक्ट नहीं, जस्ट लाइक माइट्स और क्रैब या फिर रैट या कोई अदर पेस्ट, जस्ट लाइक बर्ड्स या एनिमल्स। गाइस, फर्स्ट है पैडी स्टेम बोरर, सर्पोफेगा इंसेटुलस। गाइस, सर्पोफेगा इंसेटुलस फैमिली पैरालिडी ऑर्डर लेप्डोप्टेरा से बिलोंग करता है। इसको हम स्नाउट मोथ के भी नाम से जान सकते हैं क्योंकि इनका प्रोबोसिस कुछ इस तरह से आगे की ओर निकला हुआ होता है, जो चोंच के समान दिखाई देता है, इसीलिए हम इसे स्नाउट मोथ के नाम से जानते हैं। इनका एडल्ट येलोइश वाइट कलर का होता है, पीला रंग लिए हुए, और इनका जो अगला जोड़ी पंख होता है ये संतरा रंग का, ऑरेंज कलर का होता है। ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनमें पाया जाता है। गाइस, इनका जो फीमेल होता है मेल से काफ़ी बड़े होते हैं, और इनका एक्टिव पीरियड अक्टूबर और नवंबर होता है, क्योंकि ये समय जो होता है इनके लिए बहुत ही उपयुक्त होता है, क्योंकि इस समय में इन्वायरमेंटल टेम्परेचर लगभग 20 से 25 डिग्री के आसपास होता है। गाइस, ये मोथ रात में निकलते हैं और लाइट के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। येलो स्टेम बोरर का जो मोथ होता है, मेल मोथ वो फीमेल से काफ़ी छोटा होता है और दिखने में पीले रंग का होता है। इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं इनके एब्डोमेन के ब्लैक स्पॉट के द्वारा। गाइस, येलो स्टेम बोरर का जो अंडा है ये सफ़ेद क्रीम कलर के बाल से ढका हुआ होता है, जो कि फीमेल अपने एनल हेयर से बनाती है। इसके लार्वा का कलर क्रीम होता है, क्रीमी कलर के होते हैं, और ये लगभग 1.5 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। गाइस, इनका एडल्ट जो है विंग स्पैम के साथ में लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर हो सकता है। येलो स्टेम बोरर का जो प्यूपा होता है ये क्रीम या फिर लाइट ब्राउन कलर का होता है। जब एडल्ट
प्यूपा से बाहर निकलने वाला होता है, उस कंडीशन में प्यूपा का कलर डार्क ब्राउन में चेंज हो जाता है। गाइस इनका जो लाइफ साइकिल है लगभग 50 से 60 दिन तक चलता है। अंडे से लगभग 5 से 10 दिन में फर्स्ट इंस्टार लार्वे बाहर निकलते हैं, और लार्वल जो स्टेज होता है वो लगभग 30 से 45 दिन का होता है। इसके पश्चात ये पौधे के अंदर ही प्यूपेशन में चले जाते हैं। प्यूपल पीरियड लगभग 10 दिन का चलता है। उसके पश्चात ये एडल्ट बनकर लगभग 1 हफ्ते तक जिंदा होते हैं। इस दौरान 7 दिन के अंदर में ये मेटिंग करके लगभग अपने पूरे जीवन काल में 200 से 300 अंडे देते हैं। गाइस अगर हम इनके डैमेजिंग नेचर की बात करें तो जो यंग लार्वे हैं वो प्लांट के सेंटर सूट को बोर कर उसमें घुस जाते हैं और नीचे से ऊपर ऊपर की तरफ खाते हुए उसको डैमेज करते हैं, ऊपर की तरफ मूव करते हैं, जिसके फलस्वरूप जिसके रिजल्टेंस में हमको डेड हार्ट देखने को मिल सकता है। गाइस नर्सरी स्टेज या फिर ट्रेलरिंग स्टेज में हमको डेड हार्ट दिखाई देता है, जबकि पैनिकल स्टेज या फिर ईयरहेड स्टेज पे हमको वाइट ईयरहेड या फिर उसी को चैफी ईयरहेड भी कहते हैं। डेड हार्ट सिम्टम्स हमको दूर से फील्ड में कहीं भी दिखाई दे सकता है, और ये क्लोजली एसोसिएट होने के कारण में हर फील्ड में हमको स्टेम बोरर का सिम्टम दिखाई दे जाता है। गाइस इसका सिम्टम बहुत ही आसानी से किसी फील्ड में बाहर से पहचान सकते हैं, डेड हार्ट या फिर वाइट ईयर हेड के थ्रू। गाइस अगर इसके मैनेजमेंट की बात करें तो इसके मैनेजमेंट के लिए हमको सबसे पहले लास्ट सीजन क्रॉप का जो क्रॉप रेसिड्यू है उसको जलाकर नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि क्रॉप रेसिड्यू में ये हाइबरनेशन या फिर एस्टिवेशन में बने रहते हैं जो कि नेक्स्ट क्रॉप को डैमेज करते हैं। इसके अलावा डीप समर प्लोइंग और फ्लडिंग भी इनके कंट्रोल के लिए काफ़ी कारगर हो सकता है। क्लिपिंग ऑफ द टिप ऑफ सीडलिंग बिफोर ट्रांसप्लांटिंग कैन बी रिड्यूस द कैरी ओवर ऑफ द एग टू द फील्ड, क्योंकि ये जो इंसेक्ट होते हैं धान के पत्ते के ऊपरी हिस्से पे टिप पोर्शन पे अंडे देते हैं गुच्छे में। और अगर हम केमिकल कंट्रोल की बात करें तो कटाप हाइड्रोक्लोराइड 4G 25 किलोग्राम की दर से प्रति हेक्टेयर की दर से हम स्प्रे कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट इंसेक्ट है पैडी कैशवॉर्म निम्फूला डिफेंटेलिस। ये फैमिली पैलेडी और ऑर्डर लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करते हैं। ये बहुत ही छोटे मोथ होते हैं जो कि धान के मुख्य कीट के रूप में जाने जाते हैं। इनका लंबाई अधिकतम 1.5 सेंटीमीटर तक होता है, इससे अधिक ये नहीं बढ़ते। गाइस पैडी केशवॉर्म धान के पत्ते को काट के उनका केस बनाते हैं और उसी के अंदर फिट करते हैं, और उसी केस के थ्रू ही ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में मूव करते हैं। ये कीट पत्ती के टिप पोर्शन पे सिंगल या फिर कतार में अंडे देते हैं। इनका जो एडल्ट होता है ये काफ़ी छोटा होता है, और इनका पंख क्रीमी वाइट कलर का होता है, जिसमें एक पतली मार्जिन के रूप में होती है जो भूरे कलर का होता है। गाइस इनका जो कैटरपिलर होता है इनमें 6 स्टार पाए जाते हैं, और इनका लार्वल स्टेज लगभग 20 दिन का होता है। प्यूपेशन लगभग 6 दिन का होता है। इनका पूरा लाइफ साइकिल लगभग 30 से 45 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। गाइस इस इंसेक्ट के अगर सिम्टम्स की बात करें तो ये इंसेक्ट जिस खेत में भी अटैक करते हैं, जिस फील्ड में, वहाँ हमको पत्तियाँ कटी हुई दिखाई देती है। साथ में धान के खेत में जो पानी होते हैं, पानी भरे हुए, उसमें धान की पत्तियाँ गोल मुड़े हुए तैरते हुए दिखाई देते हैं।
ये इंसेक्ट अर्ली ट्रांसप्लांटेड स्टेज में अटैक करते हैं, क्योंकि ये स्टेज काफ़ी सेंसिटिव होता है धान के पौधों के लिए। इस स्टेज में धान के पौधे काफ़ी कमज़ोर होते हैं और इंसेक्ट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल होते हैं। इनके जो न्यूली हेज लार्वे होते हैं वो पत्तियों को, लीफ के ऊपरी हिस्से को कट करके उसका रोल बनाते हैं और उसी के अंदर अपना लाइफ स्पेंड करते हैं। गाइस, इनका सिम्टम्स हमको देखने में अलग इसलिए भी दिखाई देता है क्योंकि अर्ली स्टेज में रोल करने से पहले पौधों की पत्तियों को खुरच कर खाते हैं, जिससे वाइट स्पॉट्स बन जाते हैं। गाइस, इसका सिम्टम्स हमको स्क्रीन पे देखने को मिल सकता है, कहीं भी देखने को मिल सकता है स्क्रीनिंग पे। इसका अगर हम कंट्रोल की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है चैनिंग, जिसके लिए हमें एक रस्सी की सहायता से पौधों को कुछ इस तरह से चैनिंग किया जाता है जिससे कि पौधों को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। गाइस, उसके बाद चैनिंग के पश्चात पानी में हमको लगभग 250 ml केरोसिन ऑयल प्रति एकड़ की दर से डालना चाहिए। इससे जो केश फॉर्म होते हैं वो सेफोकेट होके मर जाते हैं, पानी के अंदर ही, केश के अंदर ही मर जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो तरीका है वो है ड्रेनिंग। खेत में पानी को पूरी तरह से ड्रेन कर देना चाहिए, इससे इन कीटों का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है, ये कीट एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाते। इसके अलावा यूज़ ऑफ करेक्ट फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, दैट मीन्स हमको सही तरीके से, समन्वित तरीके से फर्टिलाइजर का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक नाइट्रोजन, एक्सेस नाइट्रोजन के यूज़ से पौधे बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, जो कि इंसेक्ट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल होते हैं। अर्ली ट्रांसप्लांटिंग इसके लिए बहुत ही अच्छा उपाय हम कह सकते हैं, क्योंकि अर्ली ट्रांसप्लांटिंग में प्लांट जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, जल्दी हार्ड हो जाते हैं, जिस कारण इंसेक्ट्स के लिए खाने योग्य नहीं रह जाते हैं। गाइस, इनके लिए हम किसी प्रकार के कार्बोमेट इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं। पैराथ्रॉइड इंसेक्टिसाइड का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैराथ्रॉइड इंसेक्टिसाइड WBPH को अट्रैक्ट करते हैं। गाइस, नेक्स्ट इंसेक्ट है पैडी लीफ रोलर, या फिर इसी को पैडी लीफ फोल्डर के नाम से भी जानते हैं, नेफेलोक्रोसिस मैग्नालिस। ये भी फैमिली पैरेलिडी ऑर्डर लेपिडोप्टेरा के सदस्य होते हैं। ये भी काफ़ी छोटे कीट होते हैं। इनकी लंबाई विंग स्पैन के साथ में लगभग 2 सेंटीमीटर होता है। इनका कलर ब्राउन से लेके लाइट ब्राउन से लेके डार्क क्रीम कलर तक हो सकता है। इनका मेल मोथ बहुत ही टफ हेयर से ढके हुए होते हैं। इनके पंख के चारों तरफ एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि मेटिंग के समय मेल को पकड़ने के काम आता है। गाइस, इस इंसेक्ट्स का जो लाइफ साइकिल है लगभग 40 दिन में कंप्लीट होता है। इनका जो लार्वी होता है वो लगभग 2 सेंटीमीटर, 2 से 2.5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट हो सकते हैं। ये जो इंसेक्ट होते हैं ये पत्ती को खुरच कर खाते हैं, बाद में बड़े होने पे पत्ती को मोड़ कर रोल करके उसके अंदर ही अपना प्यूपेशन में चले जाते हैं। ये इंसेक्ट पत्ते को काटते नहीं हैं, बस पत्ते को रोल करते हैं। गाइस, रोल करने के लिए ये इंसेक्ट्स मुंह से काफ़ी काफ़ी मात्रा में रेशा, रेशे के समान स्ट्रक्चर निकालते हैं, जो कि इनके लार ग्रंथि से निकलता है और पत्ती के दोनों किनारे पे, दोनों किनारे को आपस में जोड़ने लगते हैं। बाद में सूख जाने पर ये जो रेशे होते हैं ये सिकुड़ कर पत्ती को रोल कर देते हैं।
गाइस, इनका सिम्टम्स आसानी से पौधों में देखने को मिल सकता है। लगभग केशवाम की तरह ही इनका सिम्टम्स दिखाई देता है, परंतु केशवाम में पत्ती कटे हुए दिखाई देते हैं और लीफ फोल्डर में पत्ती कटे हुए नहीं होते, सिर्फ वाइट वाइट स्पॉट्स दिखाई देते हैं सफ़ेद चटके के रूप में। अगर हम इनके मैनेजमेंट की बात करें तो इनके मैनेजमेंट के लिए हम ट्राइकोकार्ड का यूज़ कर सकते हैं, 1 cc पर सॉरी 5 cc पर हेक्टेयर, जिसको हम पूरे क्रॉपिंग सीजन में 3 बार हमको यूज़ करना चाहिए। इसके लिए हम NSKE का भी उपयोग कर सकते हैं, NSKE नीम सीड कर्नाल एक्सट्रैक्ट 5% या कार्बरिल 50 WP 1 kg पर हेक्टेयर के दर से हम उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड्स भी हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक एसीफेट, कार्बरिल, क्लोरपायरीफास या फास्पेमीडान या फैसोलॉन एट्सेट्रा। गाइस, नेक्स्ट है पैडी लीफ हॉपर्स। पैडी लीफ हॉपर्स में सबसे पहले है ग्रीन लीफ हॉपर्स GLH, नेफोटेटिक्स वायरसेंस या फिर नेफोटेटिक्स निग्रोपिक्टस। गाइस, नेफोटेटिक्स निग्रोपिक्टस आसानी से हमें कहीं भी देखने को मिल सकता है। ये रात्रिचर होते हैं, रात को निकलते हैं और लाइट के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, लाइट में अट्रैक्ट होते हैं। पैडी लीफ हॉपर जो होते हैं, ये धान पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी धान की खेती होती है वहाँ हर जगह पाए जाते हैं। इंडिया में फिलहाल इंडिया के हर एक कोने में जहाँ धान की खेती होती है और धान के साथ साथ में जहाँ भी धान पोएसी फैमिली के जितने भी क्रॉप होते हैं जिनकी खेती होती है, हर जगह ये कीट पाए जाते हैं। इनका एडल्ट बहुत ही छोटा होता है, ये इंसेक्ट्स इनका जो आकार होता है लगभग 2 से 3 mm का होता है। ये इंसेक्ट्स अक्सर अक्टूबर से नवंबर के मंथ में दिखाई देते हैं। गाइस, अक्सर GLH अक्सर एरिगेटेड वेट लैंड में पाए जाते हैं जहाँ नमी लगभग 75 से 85% तक होती है और टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होते हैं। इनका कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं राइस क्रॉप से। इनका जो लाइफ साइकिल है लगभग 25 से 30 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं क्योंकि इनमें किसी प्रकार का कोई प्यूपेशन नहीं होता। गाइस, इनका जो एक पीरियड है ये लगभग 3 से 5 दिन का होता है, 3 से 5 दिन में अंडे इनके एग का हैचिंग हो जाता है और जो निम्फल स्टेज होता है वो लगभग 20 दिन का होता है। इसके अलावा एडल्ट जो है लगभग 10 दिन तक जीवित होते हैं। ये एक साल में लगभग 6 इनका जनरेशन 6 जनरेशन कंप्लीट हो जाते हैं। गाइस, अगर इनके मैनेजमेंट की बात करें तो इनके मैनेजमेंट के लिए हमको बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है क्योंकि ये लाइट के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि धान के खेत के जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट हो वहाँ पे धान की नर्सरी नहीं लगानी चाहिए। इसके अलावा कुछ केमिकल्स हैं जस्ट लाइक फास्पेमीडान या फैसोलॉन। गाइज, नेक्स्ट वन इज वाइट लीफ हॉपर, कोफाना स्पेक्ट्रा। ये सिसाइडिलिडी और ऑर्डर हेमिप्टेरा के सदस्य होते हैं जो कि धान के प्रमुख कीटों में से एक हैं। इस कीट का ये कीट धान में महामारी कीट के रूप में भी कई बार सामने आ चुके हैं क्योंकि इनके द्वारा किया गया जो लॉस है वो किसी भी तरीके से कवर नहीं किया जा सकता। गाइस, इनका जो एडल्ट होता है ये लगभग वाइटिश कलर का होता है, इनका जो पूरा बॉडी होता है वाइटिश स्केल से ढका होता है और इनका जो बॉडी है वो येलोइश ग्रीन कलर का होता है। ये किसी प्रकार का कोई डिसीज ट्रांसमिट नहीं करते हैं बल्कि जो ग्रीन लीफ हॉपर है वो टुंगरू डिसीज को ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन जो वाइट जो लीफ हॉपर है ये किसी प्रकार के कोई डिसीज को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं
बट ये इतने ज़्यादा मात्रा में अटैक करते हैं कि इनके द्वारा ही क्रॉप का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। गाइस ये धान के हर स्टेज में अटैक कर सकते हैं। इनके द्वारा किया गया अटैक को हम इनके द्वारा किया गया जो नुकसान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इसका सिम्टम जो है उसको हम हॉपर बर्न्स के नाम से जानते हैं। गाइस इनका जो निम्फ है ये डायरेक्ट राइस के प्लांट से इसका सेप सक करके प्लांट को पूरी तरह से कमज़ोर बना देता है। इसके लिए इसके कंट्रोल के लिए हमको मेनली इसके कंट्रोल के लिए हमको मेनली रेजिस्टेंस वेराइटीज का ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये जो इंसेक्ट होते हैं इतने क्लोज एसोसिएट होते हैं कि अगर हम केमिकल का स्प्रे करते हैं तो बहुत जल्द ही केमिकल से ये रेजिस्टेंस होके वापस फील्ड में अटैक करने लग जाते हैं। इसीलिए इनके कंट्रोल का एक ही उपाय है, वो है रेजिस्टेंट वेराइटीज़। गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।